प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को केसीआर की बेटी के कविता से करीब 8 घंटे सवाल जवाब किए और अभी सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 16 मार्च को फिर से कविता को तलब किया गया है। और ईडी का दावा है कि शराब नीति के घोटाले को लेकर के कविता के खिलाफ कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। उधर बीआरएस ने कविता से पूछताछ को लेकर सियासी घमासान छेड़ दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले की आंच आखिर सुदूर दक्षिण तक पहुंच गई। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की एमएलसी के कविता ईडी के सामने सवालों का जवाब देने घर से निकली तो पार्टी के वर्कर नारेबाजी कर रहे थे। कविता ने ईडी के दफ्तर के बाहर मुट्ठी बंद करके जंग जारी रखने के संकेत दिए और इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। कविता को कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई के साथ बैठा कर पूछताछ की गई। पिल्लई ने ही घोटाले में कविता का नाम लिया था। समीर महेंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट में कविता के कथित निवेश के बारे में पूछा गया। कुछ व्हाट्सएप चैट भी कविता को दिखाए गए। विजय नायर से मीटिंग के बारे में भी पूछा गया और ये सवाल भी हुआ कि क्या शराब नीति के बनते और लागू होते वक्त इस्तेमाल किए गए कुछ फोन नष्ट किए गए हैं। कविता से पूछताछ का सिलसिला शनिवार को 8 घंटे चला। इस दौरान घर पर छूट गए उनके फोन भी जांच के लिए मंगाए गए। आखिर 8 घंटे के बाद उनको जाने दिया गया। 16 मार्च को एक बार फिर कविता से शराब घोटाले में आगे की पूछताछ होगी। बीजेपी सवाल कर रही है कि कविता इंडो स्पिरिट से अपने रिश्ते के बारे में बताएं। ये जो शराब घोटाला है जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल है, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं। आपको यह बताना होगा कि बुच्ची बाबू इनसे आपका कोई लेना देना है या नहीं। बीजेपी तीखे सवाल दाग रही है तो बीआरएस ने भी सियासी लड़ाई छेड़ दी है। हैदराबाद में पीएम मोदी के कुछ इस तरह के पोस्टर लगे। दिल्ली में बीआरएस ने नारेबाजी की, बीजेपी का पुतला फूंका गया। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीआरएस बीजेपी पर हमला बोल रही है। देश में ऐसा एक परिस्थिति है आज कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू है। वो एजेंसीज के जरिए ईडी सीबीआई हो एनआईए हो एनसीबी हो ऑल एजेंसीज ऑफ यू थिंक ऑफ पूरे एजेंसीज के जरिए आज एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हिंदुस्तान में लागू है और उस इमरजेंसी के जरिए किस तरीके से सत्ता में आना, यही हमारे प्रधानमंत्री और खासकर हम अमित शाह के ध्यान में है। ये लोग अपनी देश के लोग ये ध्यान में रख रहे हैं और जरूर इसका जवाब होगा। के कविता को आज बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। सवालों के जवाब देने हैं कि अरुण पिल्लई से आपके क्या संबंध है। सवालों के जवाब देने हैं कि किस प्रकार से पॉलिसी जीवन में रखने से पहले आपके सीए के कंप्यूटर पे कैसे आई। 100 करोड़ रुपए की ट्रेल, 100 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है, 100 करोड़ की ट्रेल मनी लॉन्ड्रिंग की पकड़ी गई, उसका आपको जवाब देना है। आपने किस प्रकार से पैसा आम आदमी पार्टी को दिया शराब के ठेकों के लिए, शराब के घोटाले के लिए, वो सब साफ कुछ सामने आपको जवाब देना है। अभी मनीष सिसोदिया के साथ बैठा कर कविता से सवाल नहीं हुए हैं। हो सकता है 16 मार्च की पूछताछ में ये भी हो जाए। ईडी शराब घोटाले की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मुनीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।